हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुषी और आपका स्वागत है मेरे चैनल फूडी मूडी ट्विस्ट पर। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर रैप। तो इसे बनाने के लिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू। तो मैंने यहाँ लिया है 3 से 4 बड़ी चम्मच घी, 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 2 शिमला मिर्च, 250 ग्राम पनीर, 2 टमाटर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब एक पैन को गरम करें, उसमें 2 चम्मच घी डालें। अब इसमें पनीर डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लें। अब एक कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच घी गरम कर लें, इसमें जीरा डालें और हल्दी डालें। अब इसमें प्याज डालकर अच्छे से उसे भून लें। अब इसमें टमाटर डालें और उसे नरम होने तक भून लें। अब इसमें हरी मिर्च डालें और मिक्स कर लें। अब इसमें शिमला मिर्च डालें और उसे भी नरम होने तक पकाएं। अब इसमें नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, सारे मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें सोया सॉस डालें और इसमें पनीर डालकर इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करें। अब इसमें कोई भी मेयोनीज आप डाल सकते हैं, ये एकदम ऑप्शनल। मैंने यहाँ पर तंदूरी मेयोनीज ली है। हमारी स्टफिंग रेडी है, इसे प्लेट में निकाल लें। अब एक पराठा लें और उसकी एक साइड में स्टफिंग डालें और उसे अच्छे से फैला लें और दूसरी साइड से उसको फोल्ड कर लें। ग्रिलर या तवे पर गर्म करने के लिए रख दीजिए और ग्रिलर या तवे को घी या बटर से अच्छे से ब्रश कर लीजिए और इसे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट कर लीजिए। अब हमारा चिली पनीर रैप रेडी है, इसे सर्व कीजिए केचप के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें और अपने कमेंट और सजेशन कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।